आज की गेम ना खेलें, चलो खेल लेते हैं। कभी रिस्क लिया ड्राइविंग करने का? आज करें। अरे मम्मी फिर आप को कॉल करके बुला लो, वो पीछे बैठ जाए चाहे। मैं छोड़ूंगी तो वो आगे खंबे में ना लग जाए। आज का दिन बहुत ज्यादा लेट शुरू हुआ है। कैन यू इमेजिन कि मेरा दिन 10 बजे, रात के 10 बजे मेरा दिन शुरू हो रहा है। ये देखें टाइम, देख लें भाई, क्लोज कर देती हूँ जरा, मजीद क्लोज करते हैं जी, 10 बज रखे हैं इस वक्त। ठीक है जी, टाइम इसलिए लेट शुरू हुआ क्योंकि आज मैं एक्सट्रीमली लेट उठी थी। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हमारे घर में सरप्राइज ढोलकी हुई थी। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करके ये भी कह रहे थे, यार सारा कुछ तो बाहर हो रहा था तो इकरा को पता कैसे चला? भाई अगर आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने बोला था कि मुझे पता चल गया कि ये लोग क्या करने वाली है, लेकिन मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाह रही, मैं उनकी चीज को स्पॉइल नहीं करूंगी। इफ दे वॉन्ट मी कि मैं कमरे में रहूं तो मैं कमरे में ही रहूंगी। तो भाई मेरे को पता था और मैंने जो है वो उसी हिसाब से थोड़ा सा उनको किया, लेकिन मुझे एक्चुअल में पता था। हाँ, अरीब वाली चीज मुझे नहीं पता थी, तो वो थोड़ी सी बड़ी मजेदार सी होगी, अच्छी होगी। खैर, उस व्लॉग के बाद, उस वीडियोस के बाद, उस सारी चीज के बाद जो है वो हम लोग सोए थे रात को काफी लेट, और सब लोग काफी लेट फ्री हुए थे, तो इसलिए मेरी यार मॉर्निंग लेट शुरू हुई है। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, गुड बच्चों की तरह। और ये मानो मोहतरम भी यार, तुम कितने बजे उठी हो? मैं सुबह आपसे बहुत पहले उठी हूँ। मैं पहले उठी थी 11 बजे, फिर सोई, फिर उठी 1 बजे, फिर नहीं। अच्छा, आज मैंने स्कूल से छुट्टी की है। अच्छा, मैं सुबह 7 बजे उठी, मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई, स्कूल नहीं आ रहा तुमने। मैंने कहा ओ हो यार, मुझे नींद आ रही है, सॉरी, मैं सो गई दोबारा। फिर 11 बजे उठी, फिर सोई, फिर 1 बजे उठी, फिर सोई, फिर 3 बजे, परफेक्ट होती। तो मानो की भी टाइम टेबल हमारे इवेंट्स की वजह से खराब होना शुरू हो गए हैं, तो मानो अपने स्कूल से छुट्टियां। लेकिन मैं ना आपसे बहुत पहले उठी थी, मैं 2 बजे 3 बजे की उठी हुई। आप कितने बजे उठी हो? 6 बजे। मैं कभी जिंदगी 6 बजे नहीं उठी, इरादा था आज उठने का लेकिन उठी नहीं। मैं गाइस सुबह की नमाज पढ़ के सोई हूँ, मैं आपको ये बता दूं। मैं सुबह मतलब 6 बजे थे और मैं सुबह की नमाज पढ़ी है और फिर मैं सो गई हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया था, उसको मैं सीक्वेंस कर रही थी। कौन आया चेक करो, लेट्स गो, चलते नीचे। चले जी, हम आ गए हैं अपने पोर्शन में और यहाँ पे बिल्कुल सुकून सुकून और सुकून। और ये कचरा मंदी मेरे पीछे क्या कर रही है? अभी तो जो ऊपर छोड़ के आई थी, मैं इतना थक गई हूं। आज तो डिनर पे आई, ये डांस करके थक के आई है। पहले स्टार्टिंग में तू ब्रेकफास्ट पे आती थी, फिर तू लंच पे आना शुरू हो गई, आज तू डिनर पे आई है। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, मेरी बहनें चुड़ैल होती जा रही हैं और मैं जो हूँ वो लेट से लेट और लेट होती जा रही हूँ। नहीं भाई, मसरूफियत आपके सामने करके इतना थक गया, शादी पे क्या बनेगा हमारा? मम्मा कोई बात नहीं, शादी पे आपने से खाने खुद नहीं पकाने। शादी कहते हैं, शादी नाम ही थकावट का है। मैंने सुना था शादी की डेफिनेशन कुछ और, अब पता चला शादी नाम है थकावट का। वाह वाह, सब कहें कि शादी नाम है थकावट का। अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं, किसी की हो शादी का नाम ही थकावट। हाँ, इवेंट्स इवेंट्स बेसिकली इवेंट्स, ठीक है, वो रिश्ते की बात नहीं करी, इवेंट्स की बात करी है। अभी जो है वो मम्मा ये क्या आपने कालक डाल के चावल पकाए हैं? ये क्या है? अच्छा, जीरे वाले चावल है। बच्चे जी जीरा डालती हूँ, सारे ही डाल देती हूँ ताकि दोबारा ना आना। ये देखे मेरी मम्मी ने सारा डिनर टेबल रेडी किया। जीरा डालने से पता है क्या, बंदा मोटा नहीं होता चावल खा के। जो लोग कहते हैं ना कि चावलों से बंदा मोटा होता है, जीरा डाल दे अंदर। अच्छा, बहुत से लोग आपकी ये चीज पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप इतना वेट लॉस जो है वो आपका कैसे किया आपकी मम्मी ने? तो मेरी मम्मा के पास ना बड़ी छोटी छोटी टिप्पणी है जो सबको देती है और वो उसमें उसको फॉलो भी करती है। सैलेड खाओ भाई, घर की सब्जी खाओ, और जब आप चावल वगैरह या आलू वगैरह के साथ कोई चीज खाओ तो ऐसी चीज ऐड ऑन कर लो, उसकी फैट वो चीज कम। कॉफी के एम्बेसडर, खाना खाना खाते हैं, लेट्स गो। आज की गेम ना खेलें। क्या गेम? जिंदगी ने गेम खेल ली, मजे से गेम खेले, बड़ा मजा आता है। चलो अंताक्षरी खेल लेते हैं, ठीक है, आज अंताक्षरी खेलते हैं। चलो जी, ये मोहतरमा आ रही है खाना खाने। ये मोहतरमा सिर्फ खाने के लिए बाहर निकल, ये भी सुबह से अब उठी है ना मम्मा? नहीं नहीं, ये यूनिवर्सिटी से आई है, रेस्ट कर रही थी बच्ची। अच्छा अच्छा, सबसे पहले उठती ये और जाना, जो मर्जी फंक्शन हो, इवेंट हो। स्कूल नहीं गई क्योंकि इतना रात को थकी थी और सुबह तो इसलिए मैंने ठीक कहा ना, शादी नाम थकावट का। सो गाइस, मैंने खाना शाना खा लिया था, अब जो है वो थोड़ी सी खाने के बाद होती है वॉक,
राबिया मैं पानी खाने के बाद पहले होता है पानी नहीं खाने के आधे घंटे तक पानी आधा घंटा हो गया ना तो अब तो पी सकती हूँ। हाँ अभी खाना खाए हुए हमें हाफ एन आवर हो गया। मैंने सोचा कि हम लोग अब जाते हैं वॉक करने के लिए। मेरे दिमाग में कुछ और चल रही है, मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे आगे जाके बताती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने किसी को भी नहीं बताया। चलो राबिया देख अंदर पापा चले गए सोने। ठीक है मैंने कहा थोड़ी सी वॉक करते हैं बाहर चलते जाओ। ठंडा यार इतनी भी ठंडा बिल्कुल ही तुम वो हो गई हो। अभी सर्दियां नहीं आई हैं प्रॉपर। कितनी ठंडा यार एग्जैक्ट क्या लग रहा है चांद पौधों में पानी आया हुआ। मैं थप्पड़ मारूंगी इधर आओ। मैंने तुम्हें बताना है कि मैंने मेन रीजन क्या है। क्या है? तुझे ड्राइविंग आती है? मुझे आती है। गंदी वाली अच्छी वाली? कभी रिस्क लिया ड्राइविंग करने का? ड्राइविंग का रिस्क हाँ। कब लिया? अकेली नहीं कभी किया लेकिन आज करें। आप भी मैं मना नहीं है बस कर दो। मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। नहीं क्या नहीं ऊपर ठंड भी और मैं मरना आज नहीं। अल्लाह नहीं आना आपके पास। मैं तुम्हें कहीं इधर आ पहले देखते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी है। रुक चुप कर। गाड़ी यार ये बहुत वो है। पापा ने कपड़ा दिया है। पापा कैमरे से देख ले प्लीज। अल्लाह मैं मर सकती हूँ यार। अभी ये गलत है आपकी। ये खड़ी हुई है हमारी गाड़ी। ठीक है ये हमारी छोटू खड़ी हुई है और पापा ने देखो कैसे उसको। आपको जलानी नहीं आती है मुझे पता है। मुझे आती है। झूठ बोल रही मैंने नहीं बैठना। राबिया सही आती है मुझे चलानी यार। आप ही साथ किसी को बिठाओ अगर चलानी है सीखनी है। ठीक है चलानी किसी को बिठाओ ऐसे नहीं। मुझे आती है तुम्हें आती है तो मतलब ठीक है ना यार। मैं नहीं रिजेक्ट कर रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा है ड्राइविंग करने का। आपकी तो मैंने नहीं तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ। तुमने सिर्फ तुम से लेकर आई हो मुझे मुझे आप ही से डर इसके कैमरे से बचा। सो गाइस जो मेरा फाइनल प्लान ये था कि पापा जब सोने के लिए चले जाएंगे अभी पापा आपके सामने उठ के गए हैं तो मैंने सोचा था कि मैं ना थोड़ी देर के लिए गाड़ी पकड़ के निकलूंगी और मैं चलाऊंगी अकेले में विदाउट एनी हेल्पर टू टेस्ट माई वो उसको कहते हैं ना अपनी एक्सपर्टीज चेक करने के लिए। तो ठोकूंगी चाबी लेकर आई हो? नहीं तो फिर ला रही हूँ। है हम जाते हैं चुप करके चाबी लेने। मम्मा भी चुप करके बैठी हुई हैं। हेरा अपने काम में बिजी है। फातिमा अपने काम में बिजी है। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ रिस्क। प्लीज किसी बड़े को साथ किसी आप ही को बिठाओ। आप यहाँ से तो निकाल दे तो मुझे। चलानी आती है आपको? हाँ चलानी आती है। हाँ कार की स्पेलिंग सुनाओ पहले। सी ए आर। बैठ गई हूँ बट आई कांट ट्रस्ट। प्लीज मम्मी। अरे मम्मी इसके तो शैतान। स्टार्ट ना करो मैं सही कह रही हूँ किसी को व्लॉग प्लीज। अबे तुम क्यों डर रही हो? अरे यार डम आगे वो आगे है एक खंबा लेकिन मुझे घुमाना आता है। चलो अभी देख ले। सबसे पहले हम ये ब्लाइंडर निकालेंगे। नहीं ब्लाइंडर क्यों निकालें? क्योंकि वो मुझे साइड से देखना है ना यार। मैं लाइट जला के ड्राइविंग करूंगी। रिस्क लेने लगी हूँ। लाइट जला के कौन ड्राइविंग करता? बाहर का नहीं कुछ दिखता? दिखेगा मुझे लेकिन मुझे अभी अंदर तो फिलहाल देखने दो। आप भी खुशी को बुलाओ प्लीज। अबे एक मिनट सोचने दो मुझे। मुझे तंग ना करो तो मुझे पैनिक कर रही हो। ये पुश स्टार्ट है। ये ला मुझे वाकई में डर। चाबी अंदर किसने डालनी है? ये चाबी तुम्हारे तुम्हें पता है तुम्हारी गाड़ी ऑटो है। चलो ठीक है ये हम गाड़ी चाबी रखते हैं यहाँ पे। ये ऑन हो गया। हमने सबसे पहले क्या करना है? मुझे लग रहा है मैं मौत आ रही हूं। हैंड ब्रेक ऊपर की है। हैंड ब्रेक नीचे करनी है? मुझे नहीं पता। मेरा ना पुराना वाला व्लॉग देखो जिसमें मैं ऑडी चला रही हूं। अरीब मुझे क्या बता? अरीब ने मुझे क्या बताया? आप ही ये नहीं होता किसी को बुलाओ चलो शाबाश। रुको हीरा आप ही को बुला लो। यार रबिया कसम से समझ नहीं। हीरा को वीडियो कॉल करना। उसको को किसी को बताना नहीं अभी। मेरे पास फोन नहीं है। मैं एक मशवरा दूं हीरा आप ही को कॉल करके बुला लो। वो पीछे बैठ जाए चाहे गाइड कर देगी कम से कम। कॉल करो उसको। चलो यार तुम ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं तुम्हें। बस मुझे एक मिनट। अभी आपको ये नहीं पता कि हैंड ब्रेक उठानी है कि नहीं। गाड़ी आप क्या खाक चलाओगी? कॉल करो उसको अभी इसी वक्त। चलो जल्दी कॉल करो। तो बैठने का पता नहीं है। चाबी कहाँ लगानी है पता नहीं है। जिंदगी दो चार दिन की है गाइस। एंजॉय करना है। एंजॉय हाँ जाके जिंदगी चार दिन की है। वो जाके ना वो उसके ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। चार दिन की जिंदगी है। मुझे चार दिन की पूरे 100 साल की जिंदगी चाहिए। अल्लाह समझ नहीं आ रही। चलो गाइस मैं जरा उसको कॉल कर लूं। वगैरह से इसने फातिमा से पूछ कर पता नहीं स्टार्ट किया। अब इसको छोड़ोगी आप ही? छोड़ूंगी तो वो अभी खंबे में ना लग जाए। तो आपको पहले मोड़ना है इसको और वो उधर आई डोंट नो पता नहीं।
पापी मम्मा डर लग रहा है, तो मुझे खुद भी डर लग रहा है, मम्मी डरा रहे हैं, चुड़ैल लग रही है, पापी छोड़ दो वो, मुझे कुछ खंबे से निकाल दे। मैं पता क्या करने लगी, हैंड ब्रेक ऊपर करके इसको वापस पीछे करके और मैंने छोड़ दी ब्रेक, मेरे डर लग रहा है गाइस। मुझे ना लगा था कि मैं बड़ी प्रो हूँ, मैं रिस्क नहीं ले रही क्योंकि खंबे से मुझे डर लग रहा है। अंकल गुजर रहे, अंकल ड्राइविंग, अंकल गाड़ी लेके भाग रहे, अंकल भाग जाए गाड़ी लेके, सारा पैसा लेके भाग जाएगा। क्या करूं, नहीं पता, पापा को बुला लो, पापा को शिकायत लगा मैं आपको, नहीं डर रहा, सिर्फ हीरा को बुला लेते हैं प्लीज। आप ही बस अब हिम्मत कर दो स्टार्ट, नहीं हो रहा, मैं किसी को बुलाओ यार, तो आप कॉल करो, ले मेरा फोन अंदर है यार, एक तो हमारे मेरी जिंदगी में हादसा होने देखे थे लेकिन ये पहली दफा देखा ही क्यों आप ही गई कोई शीशा भी नहीं, मैंने कहा था थोड़ी सी ड्राइविंग करती हूँ, ड्राइविंग तुम्हें आती? हाँ जी पापा जी, बात तो स्टार्ट भी नहीं आती, आती कहाँ, स्टार्ट भी नहीं आती, मैंने दिन देखा तुम एक दफा भी चलाते हो, मम्मा ऑडी चलाई थी के साथ ही चलाई थी ना, बगैर ड्राइवर के कौन चलाता, बड़ी बेटी कभी डाल दी गमलों में लग गई थी गाड़ी, आप थोड़ी देर के लिए आके, बस मुझे ये नहीं पता लग रहा खम्बे से कैसे, नहीं टाइम नहीं है फिर कभी, यहाँ मम्मा नहीं आता, निकलो निकलो भाई, शीशा खोला, ये तो मैं भी निकले वॉक करते हैं तो मैं क्या पता, ये गाड़ी में मैंने को ऊपर है, ये मम्मा आप पापा को लेके आइए, पापा सो गए थे पहले, नहीं मैं तो हम तो वैसे ही आए, चलो खाना खाया थोड़ा सा वॉक करते हैं, नहीं हम चलाक हैं जानते हो, गाइस घर के बड़े फर्दों को भी डांट पड़ती है, ऊपर है ये मेरे बगैर तुम लोग कैसे निकले हो, पहले पापा की गाड़ी को लेकर बहुत पजेसिव है, अच्छा पापा बस शीशे बंद कर, बच्चों को तो बचाना की नहीं, बच्चे के ठोके बैठे हों, जख्मी हो जाए मेरे बच्चे, गूगल से सर्च करी थी, लेकिन मैंने चलाई नहीं, मुझे पता था स्टार्ट करनी आंदी नहीं, बटन भी नहीं, पुश बटन भी नहीं दबाया, ब्रेक के बगैर बटन दबाया, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा रवे को आती है, तू रोंदी रहेगी, तेरी सहेली नंबर रहेगी, तू रोंदी रहेगी, चल ये क्या अजीब है, तू व्लॉग तू नखरे करती रहेगी, तेरी सहेली नंबर, कपड़ा किधर रखा है, कपड़ा डिक्की में डाला, चल मैडम पूरी प्लानिंग चेंज हुई, गमलों में ठुकना था, मुझे पता था ना, मैंने तभी रिस्क नहीं लिया, सिर्फ इतना सा था, मुझे पता था कि मुड़नी नहीं है तो ये लग जानी है, और पापा पता क्या करते हैं, हमेशा पहले पीछे करते फिर मोड़ काटते, यहाँ से मोड़ काटते, और मुझे रिवर्स गियर नहीं लगाना था, ये बहुत बड़े हादसे से बच गए हैं, मुझे बताया होता तो मैं पापा को ना लाती, मैं तो खुद लाई, मम्मा का चला एक्सीडेंट होता है, देखो जरा मम्मा मुझे असली में रिवर्स गियर नहीं लगाना आता, कसम से मुझे रिवर्स गियर, मैंने आपको गाड़ी भी स्टार्ट करनी नहीं आती, राबिया पापा बुला रहे हैं, चल जाके जी पापा इसे पकड़ो, ये खुद ही देगी ऊपर कपड़ा, ये देखो जरा ये ऐसे जैसे पाकिस्तान का झंडा लगता है, राबिया डरपोक है गाइस, राबिया डरपोक है, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर आपको नहीं आती असली में एकदम से, मैं बड़ी हंसी आ रही है कि कौन सा पार्टनर चूज किया इसने, प्लान फॉर गाइज, मैं वॉक करके थक जाती हूँ, मम्मा मेरी नहीं थकती इसलिए पतली स्मार्ट रहती है, मैं जा रही हूँ वापस घर, मुझे अकेली को छोड़ के पापा हम चले गए फटाफट कपड़े चढ़ा के, ठहर जा जरा पापा की तो क्लास, पापा ने वॉक की तो है आपके साथ, थोड़ी सी की है, हाँ तो वो तो हेलो दरवाजा ही बंद कर दिया, खोले देखा, वैसे इनको दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था, हम बाहर ही थे अभी, सो गाइज अभी चूंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और मैं आ गई अपने कमरे में, मुझको कहीं आई शिट इकरा का ध्यान पता नहीं कहाँ होता है, उफ अभी मैंने गिर जाना था, कल जो है वो बहुत सारी चीज़ें मुझे समेटनी है, अपनी ज्वेलरी बॉक्सेस मुझे सेट करने हैं जो मुझे पैकिंग के लिए यूज करने थे, और थोड़ा बहुत ये कचरा फिर यहीं बैठा हुआ है, ये बेसिकली मुझे कल जो है वो ये पूरी हमारी ये जो ये आप सब देख रहे हैं ना, ये मुझे कल साफ करना है, और मैं अभी चूंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसीलिए मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और अभी मैं करूँगी रेस्ट, एक चीज़ मैं आपको बताना बोल कि ये जो अलमारी साफ करूँगी इसमें से बहुत सारी चीजियाँ निकाल के आई विल गिव अवे टू माई फॉलोअर्स, इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।